Start with the name of Allah Almighty, who is most beneficial and merciful. Dear students, today we are going to discuss about the topic lactic potential at a point due to point charge. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे यूज किया जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. सो बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डायग्राम एंड स्केच. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमने जो है वो सपोज किया है. अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब यहां पर हमने एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया है जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से हमेशा जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो आउटवर्ड ट्रेवल करती हैं. अब इसी तरह स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक फील्ड लाइन पे दो पॉइंट जो है वो कंसिडर किए हैं. एक पॉइंट हमारे पास ए है, दूसरा बी है. ए से हमारे पास जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है वो आर ए है, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास आर बी होगा. इसी तरह स्टूडेंट्स, इसका जो दरमियान में हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का डिस्टेंस वो हम कहते हैं वो हमारे पास आर के इक्वल है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट इन दिस फील्ड. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन आर, यानी जो डिफरेंस ऑफ रिस्पेक्टिव पॉइंट्स है, वो आर बी माइनस आर ए. यानी यहां पर आपने देखा कि यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस डेल आर चेंज है, जो डिस्टेंस का, वो फाइनल का डिस्टेंस माइनस इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा. सो हम कहेंगे कि अगर यहां पर आर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास ये आर ए इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. आर ए प्लस डेल आर हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स, इसको हम अगर क्वेश्चन नंबर वन का नेम दे दें. अब हम बात करते हैं कि मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास R इज इक्वल टू, यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को आपस में सम करेंगे, और सम करने के बाद टू पे डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मिड पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो निकल आएगा. सो R इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा. अब ये चीज हमें करने की क्या जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी ओवर डेल आर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो यहां पर अगर हम डेल वी की वैल्यू लिखें तो डेल वी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई इंटू डेल आर. अब इसमें मुझे वैल्यू जो है डेल वी की निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है. तो पोटेंशियल के लिए मुझे क्या रिक्वायर है, डेल आर रिक्वायर है, जो मैंने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया. इसी तरह ई रिक्वायर है. तो स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या ई इज इक्वल टू होता है, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर. अब देखें, ई की वैल्यू निकालूंगा पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए. अब E की वैल्यू को निकालने के लिए यह चीज जरूरी है कि मुझे R स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर है. तो R स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूं. सो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया. यहां पर R B की वैल्यू प्लेस करें तो R इज इक्वल टू R A प्लस R B की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमने जो वन से निकाली, आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. अब इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे आर ए प्लस आर ए कितना हो गया, टू आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हम जो है जो टू है वो दोनों के नीचे जो है डिवाइड हो रहा है, तो हम इनको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं. सो आर इज इक्वल टू टू आर ए डिवाइडेड बाय टू प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2. So 2 will be cancelled with the 2 in the numerator. So remaining equation will be R is equal to R A plus del R. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, डेल आर डिवाइडेड बाय 2. अब ये इक्वेशन हमने जो है फाइंड कर ली, बट यहां पर E को निकालने के लिए अभी भी हमें क्या रिक्वायर है, R का स्क्वायर रिक्वायर है. सो हम कहेंगे
बिस्किट टेकिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम इस इक्वेशन का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए प्लस, यानी आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2, इसका भी स्क्वायर। सो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया स्टूडेंट्स। सो यहां पर हम इसका स्क्वायर अगर ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टर, हमारे पास फैक्टर आ गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर, यानी आर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है आर ए और बी क्या है डेल आर डिवाइडेड बाय 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहां से 2 जो है वो 2 से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर अंडरस्टैंड करनी है आपने कि डेल r हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो हम कहेंगे कि जब किसी वैल्यू को, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है 4 है, 4 को मैं डिवाइड करता हूं 2 के साथ, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 2s are 1 इज इक्वल टू 2। अब मैंने 4 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आंसर आ गया, 1। फिर मैंने 4 को डिवाइड किया 4 divided by 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 by 3 कितना होता है 0.6। अब देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर में वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू क्या है, स्मॉल होती जा रही है। इसका मतलब है जब डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, ग्रेटर नंबर से, तो वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। ये डेल आर पहले ही स्मॉल है, जब 2 से डिवाइड किया और स्मॉल हो गया, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट स्क्वायर लेने से वो वैल्यू और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि दिस वैल्यू कैन बी निगलेक्टेड, तो इस वैल्यू को हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। सो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए रह गया यहां पर और डेल आर। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास आर ए जो है वो कॉमन आ सकता है दोनों फैक्टर्स में से। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू क्या रह जाएगा, यहां पर आर ए रह गया प्लस यहां पर क्या रह जाएगा, डेल आर रह जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है आर ए प्लस डेल आर, हम यहां पर देख रहे हैं ये किसके इक्वल है, ये आर बी के इक्वल है। सो हम इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे आर बी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। तो हमने यहां पर अब आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, अब हम किस में प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में ताकि हम ई की वैल्यू को फाइंड कर सकें। सो ई विल बी, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू ओवर आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर ए आर बी। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। अब स्टूडेंट्स आपने यहां पर एक चीज नोट करनी है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देन हमारे पास आर बी माइनस आर ए आता है, क्योंकि हम उसको इस साइड से देख रहे होते हैं, पहले सोर्स वाली साइड से। जब हम बात करेंगे कि अगर पॉइंट को किसी हम जो इनफाइनाइट पॉइंट या अदर पॉइंट से मूव करवा के लाएं, किस तरफ को, यानी पॉइंट को हमने अब मूव करवाना है ऑपोजिट टू द फील्ड, अब फील्ड के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहां पर डेल आर जो है वो वी वी बी माइनस ए की बजाय वी ए माइनस बी लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी
इज इक्वल टू माइनस ई, और डेल आर की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए पहले आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ये अगेन मैं आपको रीजन बताता चलूं कि हमने डेल वी क्या होता है, डेल वी बेसिकली डिफरेंस अगर लें तो वो हमारे पास वी बी माइनस वी ए आता है, लेकिन जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे अपोजिट टू द फील्ड, अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक पोटेंशियल पर जब किसी भी पॉइंट पर जब पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से मूव करवाकर रेफरेंस पॉइंट से लेकर आते हैं कहां पर, उस पॉइंट की तरफ। सो हम अब किस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ से बी से ए की तरफ अपोजिट टू द फील्ड, तो अपोजिट की वजह से ये हमारे पास क्या है, वी ए पहले आ जाएगा, वी बी बाद में आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहां पर इस माइनस को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ई इंटू ये हमारे पास वी ए क्या है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी बी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो प्लस वाला हमारे पास जो पॉइंट है उसको पहले ले आते हैं पोटेंशियल को, सो ई इंटू वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, और यहां पे स्टूडेंट्स वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, तो हम उसको क्या है मूव करवा के लाएंगे किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे पास या तो ओरिजिन पे जीरो होता है, क्योंकि हम जीरो से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, या तो वो ओरिजिन पे जीरो होता है या हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट पे जीरो होता है। अब ओरिजिन की तरफ जो है ये मौजूद नहीं है, पॉइंट ओरिजिन पे मौजूद नहीं है, तो हम इसका कहां से मूव करवाएंगे पॉइंट को, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो इनफाइनाइट पॉइंट अगर हम कहें कि इफ बी इज एट इनफाइनाइट पॉइंट, अगर b इनफाइनाइट पे मौजूद है तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू पोटेंशियल ऑफ b क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉइंट पे मौजूद है। सो यहां पर vb की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि va इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स देखें यहां पर हमने वैल्यू को रखना है va इज इक्वल टू e की वैल्यू, यहां पर क्या करेंगे आप e की वैल्यू प्लेस कर दें। e की वैल्यू क्या है हमारे पास, e इज इक्वल टू है 1/4πε0 q ओवर r a r b इनटू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास डेल r है। तो डेल r जो है स्टूडेंट्स यहां पर, सॉरी हमने क्या किया, पोटेंशियल लिख दिया, यहां पर क्या है r a r b आएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है r, क्योंकि ये R का डिफरेंस है इसलिए हम इसको R लिखेंगे, R ये भी R A आ जाएगा। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास क्या है डेल R, डेल R हमने यहां पर ऐसे प्लेस कर लिया उसको, तो जब ये चीज है दोनों के नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा R B माइनस R A डिवाइड, ये आ जाएगा इसके पास। अब देखें ये जो आर ए आर बी है, हम इनको दोनों फैक्टर्स के नीचे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए आर बी आ गया, तो हमारे पास फ्रेंड्स आर बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अब आर ए आर बी को हम इन दोनों के नीचे अंदर मल्टीप्लाई जो है डिवाइड कर देते हैं, तो आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहां पे जो हमारे पास आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो वैल्यू क्या रहेगी 1/4πε0 इंटू क्यू, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में हमारे पास 1/RA माइनस 1/RB आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि जो B पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा है, एट द इंफिनिटी, सो इंफिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो हम कहेंगे कि 1/RB क्या है इज इक्वल टू 1/∞, इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, ये बिकम जीरो, ये जीरो हो गया। सो हम कहेंगे कि रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई 1/4πε0 q
क्यू इंटू वन ओवर आर ए, ये आ जाएगा ए का पोटेंशियल। सो वैल्यू जो है हमारे पास बन गई वी ए इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट ए आ गया। हम अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में करें तो जनरल फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, क्यू ओवर आर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट यहां तक आपने जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपको मैं बताता चलूं कि ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है इस चैप्टर के अंदर। जितने भी आप पास्ट पेपर उठाएंगे इस चैप्टर में से मोस्टली ये वाला क्वेश्चन या एप्लीकेशन ऑफ गाजीला ये मोस्टली रिपीट हुए हैं। सो स्टूडेंट यहां तक अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो लाजमी तौर पर आप एक दफा उसकी प्रैक्टिस करेंगे हाथ से, जो है आपने खुद इसकी ड्राइव सारी जो है मैथमेटिकल जो है वो ड्राइव करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।